तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह दस्तरखान सज चुका है और दसवें रोजे की इफ्तारी है। इसमें पकोड़े हैं और दही पल्ले हैं और खजूरें हैं। इधर है जी एक स्पेशल चीज आज हम लेके आए थे कल। ये देखें जी, पापा रोजा रख कर सो गए थे। इधर जी मम्मा ने मशीन लगाई है, मम्मा कपड़े धो रही है। मम्मा मैंने पहला काम ये किया कि पहले मशीन लगाई थी। चलो इधर मैं दुकान खोलूं, फिर पंचर ले मोटरसाइकिल को। ये देखें जी माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी। देखें जी माशाल्लाह यासीन भाई है फ्रूट वाला। पापा देखें जी, पापा ने कलर लगा रही है बालों को। देखें जी हम हाथ की तस्वीरें बन रही हैं। ये देखें जी पापा टायर खोल रहे हैं, टायर बहुत मुश्किल से खुल रहा है। ये देखें इसी ट्यूब को बनाया जी, इसको पक्के पंचर लगा दिए दो माशाल्लाह ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लाती अनअमतु। देखें जी माशाल्लाह मनाहिल उठ चुकी है सहरी के लिए, तो रिहाना मत उठ रहा है। रिहाना मत उठ जा बेटा, उठ मेरा शेर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम दस्तरखान पे आ चुके हैं, सहरी का टाइम है। बेगम साहब खाना दे रही है बच्चों को। ये हैं जी पराठे, और इधर है जी एक स्पेशल चीज़ आज हम लेके आए थे कल। क्या स्पेशल है? ये है जी शक्कर और देसी घी। ये जी मेरी बहुत फेवरेट है, मैं शक्कर में देसी घी मिला के वो मेरे पास तो माशाल्लाह जी पेट भर के खाना खाता हूँ और बड़ा खुश होकर खाता हूँ। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं जी शक्कर और देसी घी। माशाल्लाह जी दूसरा अशरा शुरू हो चुका है मगफरत का, तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की बेहिसाब बख्शिश और मगफरत फरमाए और हमें रमज़ान शरीफ में अपनी बख्शिश और मगफरत करवाने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी बख्शिश करवा लें इस माह रमज़ान मुबारक के बरकत से। तो ये देखें जी माशाल्लाह हम सैरी करने लगे हैं अब। ये देखें जी पापा रोज़ा रख कर सो गए थे, नमाज़ कुरान पढ़ लिया था हम सब ने, और आज और अब पापा दुकान पर जाएँगे, हाथ मुँह धो रहे हैं पापा। इधर जी मम्मा ने मशीन लगाई है, मम्मा कपड़े धो रही है, मम्मा का भी रोज़ा है। ये देखे जी मेरा दूध लेके ऊपर रख दिया और खुद मशीन की तरफ चली गई। मेरा दूध थोड़ा उबल गया, उबल के नीचे गिर गया। क्या हुआ? आज ना दूध मेरा उबल गया। अब सफाई करने लगी हूँ। देखें सारा मेरा दूध उबल गया आज। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, के हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते बसते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए, आमीन। तो मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पर, तो आज इतवार की छुट्टी है। बेगम ने लगाई हुई है मशीन, वो देखें उधर मशीन चल रही है। तो बेगम किचन में सफाई कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किचन का माहौल, तो फिर मैं जाऊँगा दुकान पर। ये देखें जैसे कि ये दूध रखा हुआ उबलने के लिए, तो गर्म करने के लिए दूध थोड़ा सा उबल गया था आज। तो बेगम अब सफाई कर रही है चूल्हे की भी और बर्तन धो रही है। बेगम क्या हाल है? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। आज माशाल्लाह 11वां रोज़ा है, तो सहरी खा के नमाज कुरान पढ़ के सो गए थे, अब उठे हैं। और उठ के मैंने पहला काम ये किया कि पहले मशीन लगाई थी, फिर ये दूध रख के कपड़े डालने चली गई, मेरा दूध उबल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो अब मैं घर की सफाई करूंगी, कपड़े धोऊंगी और काम सारे मैं ही करूंगी, क्योंकि आपकी सुबह पेपर है तो अपना पेपर याद करेगी। मैंने सुबह आपकी को छोड़ के आना। हाँ सुबह आपकी को भी छोड़ के आना है, तो हम हाथ का दाखला भी करवाना स्कूल में। हाँ जी, हम हाथ की वो ना वो भी लेनी है, शर्ट लेनी है, शर्ट लेनी है और पेंट भी लेनी है उसकी, स्कूल की यूनिफॉर्म पूरी लेनी है। ठीक है, तो ये जी हमाद अहमद का साइकिल है, इसके ऊपर जाया करेगा ये स्कूल, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है यहाँ से। साइकिल का काम काफी सारा होने वाला है, इंशाल्लाह हम कर देंगे। इसके ऊपर पट्टी भी चढ़ा के दे और मशीन सारा कुछ ठीक करके दे। इसका कहता कुछ नहीं, कौन सी तार गिर गई है, पापा से कहे वो भी नहीं डाल के दे। गुटका ब्रेक गिर गया ये। कहता नहीं बाहर डाल के। चलो कुछ करेंगे, इस साइकिल पे जाया करेगा हम आधा बस स्कूल। तो चलो जी बेगम, मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पे। ठीक है, अच्छा जी बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाह रज़ीम। अल्लाह हाफिज़ बेगम। तो देखें जी मैं घर से निकल आया हूँ, अभी जा रहा हूँ दुकान पे। ये मेरे पीछे किकने शिक रहे हैं जी, दरख्त हैं। ये असगर भाई की दुकान है, किराने की दुकान है। असगर भाई बैठे हुए हैं दुकान पे, अब मैं इसके साथ गपशप नहीं करूँ। तो व्यूअर्स मैं देखें जी दुकान पर पहुँच चुका हूँ। ये खड़े हैं जी इधर यहाँ के शहजादे जी चौक के, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। ये आ गया जी हमारा वाजिद, आज तो बड़ा शरीफ बना हुआ है, बारिश बार आ रहा है भाई। चलिए तो मैं दुकान खोलूं, फिर पंचर लगाते हैं मोटरसाइकिल को। हाँ भाई
जी ये चौधरी रशीद का बरखुरदार है जी। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने दुकान खोल ली और मैं लगाऊंगा पंचर। इधर आ गया जी वाजिद साहब। वाजिद साहब इधर बुक करें जी। नाम क्या तुम्हारा? वाजिद। तेरा नाम क्या है? रिजवान। हाँ भाई। मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश वल्द डॉक्टर मोहम्मद इजाज़। ये डॉक्टर साहब के बेटे हैं जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ैफ़ा। नाने को देखे जी अकेला ही नाने के घर जा रहा है जी नाना किधर है? कोला ही। वाह जी वाह। जैनब किधर जा रही है? जैनब नहीं जाना है? किथे? ये देखें जी पापा दुकान पे आ गए हैं। वो भी खराब। पापा पंचर लगा रहे हैं। वो पानी लगा। ये देखें जी ये पंचर। ट्यूब खराब है जी। इसको कंडा लग गया। ये देखें चेक करें। बहुत बुरी हालात है इसकी। इसी ट्यूब को बनाया जी। इसको पक्के पंचर लगा दिए दो। माशाल्लाह ठीक हो गया। ट्यूब भी चेक करते हैं इसको। ये देखें जी पापा ने इस टायर को पंचर लगाना है। इस टायर को बाहर निकाल रहे हैं। ये टायर मेरे लिए है बहुत मुश्किल है। सख्त टायर है क्योंकि मुझे मसला है ना कमर का। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम मशीन लेंगे टायर खोलने वाली फिर उसके साथ आसानी हो जाती है। इधर इनका जी पहरेदार आया हुआ है रेड़ी के पास। कुत्ता बैठा हुआ है। ये अंकल है जिनकी रेड़ी है। ये देखें जी पापा टायर खोल रहे हैं। टायर बहुत मुश्किल से खुल रहा है। ये देखें मशीन के बगैर ये टायर ऐसे ही खुलता है। बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसके ऊपर चोटें लगानी पड़ती है। बैठाना पड़ता है पहले इस टायर को फिर इसको खोलते हैं। ये देखें जी खोल रहे हैं पापा टायर। ये बहुत मुश्किल है जी। ये देखें बहुत जोर लगता है इस टायर को खोलने के लिए। ये देखें जी पापा पंचर लगा रहे हैं। अच्छी लोशन लगा रहे हैं इसको। ये टूटी लगानी है जिसको ऊपर हमने ऐसे। ये जैनमन टूटी जैसे होती है वैसे लग जाएगी। और देखें जी ये टूटी मैंने इसके ऊपर रख दी है। ये देखें और ऐसे फिट हो गई है। अब इसको इधर इसकी इस्त्री में लगाएंगे चली जाएगी इधर। ये देखें जी ये टूटी सुराख में चली जाएगी ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर गद्दी और गुटका रख के इसे फिट कर देंगे। ये गद्दी है और ये दूसरी गद्दी। इसमें रेत भरी है और ये गुटका। मेरे बहन भाइयों को मैं अभी जा रहा हूँ दुकान बंद करके क्योंकि मैंने जाना है थोड़ा चौक पे। एक तो मेरी बड़ी बेटी के सुबह पेपर है पहला। उसकी रोल नंबर स्लिप की फ़ोटो कापी करानी है और हमारा अहमद का 9th क्लास में दाखिला करवाना है। तो उसके लिए कोई ऊपर साड़ी अपना बे फार्म की फ़ोटो कापियाँ करवानी है और कोई अपने शिनाख्ती कार्ड की। इसलिए मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ क्योंकि कल फिर टाइम नहीं होगा। सुबह 8 बजे पहला पेपर है बच्ची का। जैसा कि मैं घर पहुँच चुका हूँ तो इधर जी बेगम ने कपड़े धो धो के फैलाए हुए हैं तारों पर। दो तारें भरी हुई हैं। इधर भी है ये खेस लेके लेटा हुआ है। इधर टीवी चल रहा है। हाँ जी ले आए हो? हाँ जी। इसकी फोटोकॉपी करवानी है बेफारम की। कितनी कराऊं? दो दिन करवा लेना। कितने पड़े? ये कितने पड़े? कोई भी नहीं पड़ा। यही पड़ा। अच्छा ये है जी बेफारम है इनका और ये है आप ही की रोल नंबर स्लिप है। इसकी फोटोकॉपी करवानी है। ये आप ही की घड़ी है। इसको सेल इसमें सेल डलवाना है। हाँ जी। ये घड़ी है जी। इस आप ही की घड़ी है। इसमें सेल डलवाना है और ये आप ही की है वो रोल नंबर स्लिप और ये है बे फार्म। आज लेके जाऊंगा इसको डॉक्टर के पास। चाबी ले लिया? दूसरा पता नहीं किधर है। ये देखिए जी हम लाइन के पास पहुंच गए हैं जी। मादामत की कटिंग हो रही है। जिसने कल जाना है स्कूल उस्ताद इसकी कटिंग कर रहा है। ये एक छोटा फैशला हमारे की कटिंग हो रही है और मैंने लगवाना है कलर। ये कलर लेके आया हूँ। अब कलर लगवाऊंगा क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा सफेद हो रहे हैं। दाढ़ी भी और बाल भी कर दो। आज मैंने कहा हम भी जरा मुंडा फंडा भर के देख लीजिए। ये देखें जे ये पापा दाढ़ी को रंग लगवा रहे हैं। देखें जी पापा ने कलर लगा लिया है बालों को। बालों को और दाढ़ी को ये
ये अंकल ने लगाया कलर। ये देखे जी हम चौक पे आए हुए हैं, देखे ये सारा इधर का चौक ही है हमारा। हम जी सलीम भाई के पास आए हैं, इधर तस्वीरें बनवानी है हमाद की। भाई ने माशाल्लाह शादियों के लिए मसहरियों वगैरह का सामान रखा हुआ है और ये मूवी वगैरह भी बनाते हैं। देखें जी हमाद की तस्वीरें बन रही हैं जो स्कूल में देनी है। इधर जी घड़ी को सेल डलवा रहे हैं, साथ के पास आए हैं, हमने फोटो कापियाँ करवा ली हैं इसकी और अब घर जाएंगे। ये जी डॉक्टर साहब की दुकान पे आए हैं, डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। जी माशाल्लाह यासीन भाई है फ्रूट वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे दे रहे हैं फ्रूट? 150 रुपये तरबूजा, 150 रुपये 250 रुपये, ये 500 रुपये मुख्तलिफ रेट है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत फ्रेश फ्रूट है, खजूरें भी हैं, सरदा गर्मा खरबूजा सेब चीकू स्ट्रॉबेरी केले माशाल्लाह सभी फ्रूट है। और ये चौक शुगर पर जेठा बूटा कितने गढ़ेरियाँ हैं जी, ये देखें जी माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। तो व्यूअर्स मैं बाज़ार से आ गया हूँ, तो मैंने कलर वगैरह पर लगवाया, तो अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ और पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हाफिज़ साहब, ठीक हैं? मौलाना तारक जमील साहब तस्वीर पढ़ रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, वैसे ही पढ़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, क्या हाल है, तबीयत सेहत ठीक है, घर बार सब खैरियत है? खैरियत है, छोटा सा मुँह निकला हुआ है, रोज़ा लग गया है सुबह, लेकिन फिर टाइम हो गया। अच्छा बोतल है, ये देखें जी माशाल्लाह जूस की बोतलें पड़ी हैं, ये पड़ी है जी रूह अफजा और ये पड़ी है जामे शीरी, ये पड़े हैं जी बादाम और ये कौन सी है जी रेड अनार और ये है मैंगो ऑरेंज। और इधर हमारे भाई फौजी यूसुफ साहब जा रहे हैं जी रेडी लेके, माशाल्लाह जी ऊपर तूड़ी लादी हुई है और घास पट्टे हैं। और जी ठीक है, घर में सब खैरियत है? चलो जी माशाल्लाह। इधर असलम भाई जा रहे हैं जी, ये भी बेचारे माल मवेशी के लिए चारा शारा लेके, ये बोतलें वगैरह पड़ी हैं जी, रमज़ान शरीफ पैकेट लगा हुआ है। भाईजान बना रहे हैं, इधर समोसे की पट्टी बना रहे हैं, समोसा पट्टी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी माशाल्लाह समोसे की पट्टी बन रही है जी इधर। और क्या हाल है जी, आज की हमारी वीडियो इतनी है जी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। मेरा साइकिल तो पंचर ला ले। अच्छा जी लगा देते हैं जी, तो आज की हमारी वीडियो 40 रुपये ले तो। ना भाई जी महंगाई बड़ी है, तुम समोसा कितने का दे रहे जी? 25,000 20,000। अच्छा चल आज ला के देंगे, मुड़ के नहीं लाना मैंने। चलो जी मैं इसको जी पंचर लगा दूँ जी, कहते जी आज 40 का लगा दें। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो याद चाहते हैं अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।